हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक आदम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक आदम जो कि यह एक 2022 की भारतीय एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था, और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था, और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की, और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं, और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है, और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था, और डेन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था।
नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था, और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे, और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपरस्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोशिवारानी द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजिल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि
ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जेफ्स जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। कौन है यह फिल्म का सुपरस्टार कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और
यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोशी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था।
2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोसीवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक
न्यू लाइन सिनेमा में शाज़म का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और शाज़म में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर शाज़म द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहां से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म शाज़म की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को शाज़म से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों
इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन की फिल्म
3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक आदम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक आदम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था, और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था, और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की, और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं, और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है, और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था, और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी, और
संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोसीवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को
मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों, पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों, इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों, इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें
फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की
प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को COVID-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की। और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक
न्यू लाइन सिनेमा में शाज़म का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और शाज़म में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर शाज़म द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। डैन जॉनसन की फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपरस्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और
कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड 19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन सर की फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक आदम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक आदम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था, और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटल लटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था, और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की, और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं, और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है, और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था, और डेन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था।
नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे, और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि एक 2022 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोशिवारानी द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक
अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे।
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था।
उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जेफ्स जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पर आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोसीवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में
इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपरस्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और
यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स डीसीयू में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोशी वरानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था।
2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है या फिल्म का सुपरस्टार कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजनाबद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक
न्यू लाइन सिनेमा में शाज़म का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और शाज़म में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे, और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर शाज़म द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि एक 2022 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म शाज़म की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को शाज़म से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चरित्र
ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानिम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन
शाम, और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म को उस फिल्म में जादूगर शाज़म द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन सर के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में, और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे, और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक DC और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है, और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोसीवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था, और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था, और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को COVID-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था, और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था, और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की, और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं, और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है, और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है।
पेडकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि एक 2022 की अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है, लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था।
अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीति जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है, और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे।
तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोसीवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपर हीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था।
उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक और सहायक चरित्र खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन की फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में YouTube पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपरस्टार कौन कौन है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय यो जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वरानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी, लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में
इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था, जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टेल की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और विषय भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डैन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है। और दोस्तों साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है, जिसमें डैन जॉनसन शीर्षक डीसी और कॉमिक चरित्र के रूप में यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स
DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों इस समय रेखा को कोविड-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जेंसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी, जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिमाणस्वरूप रूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं और दोस्तों इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्तियां देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोस्तों जनवरी 2017 में जॉनसन ने डीसी जॉनसन के साथ परियोजना पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की, जब और स्टूडियो के अधिकारियों ने कहा कि जॉनसन की प्रोफाइल के एक अभिनेता को फिल्म में अभिनय करने के बजाय खलनायक चरित्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। और बैठक के बाद उन्होंने परियोजना को दो फिल्मों में विभाजित करने का फैसला किया था। 2019 में नायक कैप्टन मार्वल अभिनीत जिसे डीसी ने तब स्वयं
साजम के रूप में पुनः ब्रांडेड किया था और ब्लैक एडम जॉनसन के रूप में एंटी हीरो शीर्षक के रूप में अभिनय किया था। जॉनसन ने कहा कि दोनों पत्र और भविष्य में पर्दे पर मिलेंगे। और जॉनसन ने जुलाई में पुष्टि की थी कि जॉनसन शाम और हालांकि उनकी समानता उस फिल्म में जादूगर साजम द्वारा जादू किए गए ब्लैक एडम की जुदाई को हेलोग्राम के लिए उपयोग किया जाती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों की हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सुपरस्टार अभिनेता डेन जॉनसन के फिल्म 3 अक्टूबर 2022 में रिलीज हुई ब्लैक एडम मूवी के आज हम हिंदी में रिव्यू करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे न्यू स्टोरी को बारे में। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको बतलाएंगे कि इस फिल्म को हिंदी भाषा के साथ फुल HD में यूट्यूब पे आपको कहाँ से देखने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है, यह फिल्म का सुपर स्टार कौन कौन है। और दोस्तों, साथ ही साथ इस फिल्म की बजट इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी इस वीडियो के जरिए आपको बतलाएंगे। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें। फिल्म ब्लैक एडम जो कि यह एक 2022 की भारतीय जो कि एक 2022 की एक अमेरिकी सुपर हीरो फिल्म है जिसमें डेन जॉनसन शीर्षक DC और कॉमिक चरित्र के रूप में। यह फिल्म साजन की स्पिन ऑफ है। और यह फिल्म दोस्तों 2019 और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स DCEU में 11वीं फिल्म है। यह फिल्म जेम्स और कोलेट सेरा द्वारा निर्देशित और एडम एस्टिकिल और रोशी हैन और साहेब नोरोशिवानी द्वारा लिखित की गई थी। फिल्म ब्लैक एडम जो कि जॉनसन को साजम से जोड़ा गया था और विकास की शुरुआत में और सितंबर 2014 में खलनायक ब्लैक एडम को चित्रित करने की पुष्टि की थी, लेकिन निर्माताओं ने बाद में चरित्र को अपनी फिल्म देने का फैसला किया था। और दोस्तों, अक्टूबर 2017 में काम पर रखा गया था और कलेक्टर सेरा जून 2019 में दिसंबर 2021 की योजना वृद्ध रिलीज डेट के साथ शामिल हुई है। लेकिन दोस्तों, इस समय रेखा को COVID-19 महामारी द्वारा विलंबित किया गया था। अतिरिक्त कास्टिंग और अगले वर्ष हुई जॉनसन ने एजिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिकी के 4 सदस्य शामिल थे। साथ ही दोस्तों, हैंस और नोसी वारानीम द्वारा स्क्रिप्ट को फिर से लिखा गया था और फिल्मांकन अप्रैल से अगस्त 2021 तक अटलांटा जॉर्जिया में स्ट्रीमिंग स्टूडियो में और लॉस एंजेल्स में भी हुआ था। फिल्म ब्लैक एडम जो कि ब्लैक एडम का 3 अक्टूबर 2022 को मेक्सिको सिटी में विश्व प्रीमियर हुआ था और 21 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों, फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली थी जिन्होंने अभिनय और एक्शन दृश्य की प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों, पाठक कथा की आलोचना की और 190 से लेकर 260 मिलियन डॉलर के उत्पादक के बजट के मुकाबले इसे दुनिया भर में इसे दुनिया में 391 मिलियन की कमाई की और कुछ अनुमानों के अनुसार यह विपणन और वितरण लागतों के बाद अपनी कुल लागत को फिर से भरने में विफल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप प्रकाशनों ने इसे बॉक्स ऑफिस पर बम के रूप में लेबल किया था। बात करें दोस्तों इस फिल्म की सुपरस्टार अभिनेता फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त भूमिका में नज़र आए हैं। और दोस्तों, इस फिल्म की उत्पादक न्यू लाइन सिनेमा में साजम का विकास शुरू किया था। डीसी कॉमिक के चरित्र कैप्टन मार्वल का आधारित
आधारित 2000 के दशक की शुरुआत में फीचर फिल्म शीर्षक की जादूगर और साजम में आया है, जो दोस्तों नायक और अपनी शक्ति शक्तियाँ देता है और कानूनी मुद्दों के कारण डीसी कैप्टन मार्वल शीर्षक का उपयोग करने में असमर्थ है। पीटकर और सहगल ने अप्रैल 2006 में फिल्म का निर्देशक करने के लिए साइन किया था और डैन जॉनसन से उस वर्ष का कैप्टन मार्वल को चित्रित करने के लिए संपर्क किया था। नवंबर 2007 तक जॉनसन को फिल्म के विरोधी ब्लैक एडम में भी दिलचस्पी थी और संभव उस किरदार को निभाने के बारे में प्रशंसकों और सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म का विकास जनवरी 2009 तक रोक दिया गया था, लेकिन अप्रैल 2014 तक फिर से शुरू हो गया था जब वार्नर और ब्रदर्स न्यू लाइन की मूल कंपनी और डीसी ने अपने साझा ब्रह्मांड के लिए सुपरहीरो फिल्म के एक स्टील की योजना बनाना शुरू कर दिया था।